अदब नाजरीन, में कश्मीर क्राइम की तरफ से फजा जैनब। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम अवामी अहमियत के हामिल कई मौजूं पे बात करते हैं, ऐसे ही आज हम एक अहम मौजू लेके आ रहे हैं जो कि है कॉन्स्टेंट डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ 4G इंटरनेट कश्मीर बाय द सुप्रीम कोर्ट। जिस सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेस टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट कहा है, वही सुप्रीम कोर्ट बार बार 4G रजिस्ट्रेशन की डेट डिले कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार पोस्टपोन क्यों हो रही है 4G रजिस्ट्रेशन की डेट? आप जानते हैं कि कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कमर्शियल सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, हेल्थ केयर का हो, एजुकेशन सेक्टर हो, सारे ही सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं 4G के ना होने से, 4G के बैन होने से बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। आप ये भी जानते हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो है एजुकेशन पे, जहाँ वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाते हैं बच्चे, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म बच्चे फिल करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बार बार उनका कहना है, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि बार बार उनके जो नेटवर्क है वो वीक हो रहे हैं और वो ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, और ऑनलाइन लर्निंग जब उनकी चल रही होती है, ऑनलाइन लेक्चर्स उनके चल रहे होते हैं, तो वो उसमें भी उनकी टीचर्स की जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं होती है, वो क्लियर सुन नहीं पाते हैं, और वो क्लियर बोर्ड भी नहीं देख पा रहे हैं कि टीचर क्या समझा रहा है, वो पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे, इसलिए वो सवाल पूछने में भी हिचकिचाते हैं। स्टूडेंट्स है वो स्टेट का फ्यूचर होते हैं, वो अपनी कंट्री का फ्यूचर होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आगे जाके कितनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन स्टूडेंट्स के साथ, जिन स्टूडेंट्स को इस एज में वो बेसिक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आगे जाके वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आगे जाके उन स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा इफेक्ट होंगे, वो कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। आइए जानते हैं, हम पब्लिक से पूछते हैं, पब्लिक रिव्यू लेते हैं कि उनका क्या मानना है बैन ऑन 4G को लेकर, उनका क्या मानना है, क्या चाहते हैं वो, कैसे वो चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसे सफ़र कर रही है, क्या क्या मुश्किलात हो रही है उनके साथ, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम लोगों को वीडियो क्लासेस होती है तो हम लोग नहीं एबल होते कि हम लोग क्वेश्चन करें अपने टीचर से। जब भी हम लोग कुछ पूछे तो वीडियो हमेशा बफर हो जाता है, कुछ भी हो जाए वीडियो तो बफर होना ही है। 45 मिनट की क्लास वो हमेशा 3 या 4 घंटे हमेशा बनती है। फिर हम लोग की ट्यूशन वाले जो वो बहुत सारे एफर्ट्स दे रहे ताकि हम लोग की पढ़ाई पर कोई असर ना आए, तो वो वीडियोज़ उनके लेते तो फिर हमारे ग्रुप में भेजते हैं, तो लेकिन मगर उससे भी कुछ असर नहीं होता है क्योंकि उसको भी 1-2 दिन तो लगते ही है डाउनलोड होती है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे होती है, यूट्यूब से आप कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, वो हो पाता है क्या? जी मैम, कुछ नहीं होता पाए, कुछ एकेडमिक्स में आप बहुत पीछे चले गए। और अगर आपके एग्जाम्स हो गए तो क्या आप रेडी है एग्जाम देने के लिए? जी बिल्कुल नहीं मैम, हमारी गवर्नमेंट बोलती है, फिर सडन हमें डेटशीट आ जाते हैं, फिर बोलते हैं आप एग्जाम दे दो, फिर हम लोग की कहाँ से ग्रेड्स अच्छे आएंगे जब हम लोग की वीडियो सही नहीं जा रही है। हम लोग एबल नहीं होते कुछ भी पूछने के लिए, बोर्ड क्लियर नहीं आता है। हम लोग हमेशा सर को बोलते हैं सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, उनका हमेशा होता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते बेटा, जितना हमारे तक था हम लोगों ने उतना किया है। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स आती है 4G नेट सस्पेंड होने की वजह से, आप बताएं। जैसे कि आप देखिए कि JEE के एग्जाम्स है, नीट के एग्जाम्स है, तो बस गवर्नमेंट बोलना चाहती है कि J&K के बच्चे भी टॉप करना चाहते हैं, पूरे नेशनल लेवल पे टॉप करेंगे, बट ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे टॉप नहीं होगा, ऐसे कहीं पर भी टॉप नहीं होगा, किसी भी एग्जाम में टॉप नहीं होगा। तो बस ये होना चाहिए कि 4G इंटरनेट खुलना चाहिए जल्दी से जल्दी, तो जिस हिसाब से हमारा स्कूल का असाइनमेंट भी अच्छी तरीके से डाउनलोड हो जाए, अपनी पढ़ाई पे भी अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर सकें हम, तो बस मतलब ऐसा है। आपको जब ऑनलाइन लेक्चर्स आप अटेंड करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसमें? हमारे प्रॉब्लम्स ये आती है कि पहले कम से कम आधा दिन तो पहले हमें डाउनलोड के साथ चले जाता है, उसके बाद फिर जब आधा दिन आता है तो फिर फॉर एग्जांपल हमें कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेरीज होते हैं हमें मतलब टीचर्स के लिए, तो मतलब मैसेज करनी पड़ती है, फिर उस मैसेज का रिप्लाई का वेट करना पड़ता है जब तक दूसरी वीडियो आ जाए। अच्छा। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं हमारे साथ। और जब ऑनलाइन वीडियो क्लासेस आपकी चल रही होती है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? उसमें काफ़ी बफरिंग होती है, काफ़ी टाइम भी लगता है, सो मतलब अच्छी तरीके से समझ नहीं आता। हमने आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई जिसमें हमने कई स्टूडेंट से बात की और कहीं टीचर से भी बात की और कहीं ऐसे जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखते हैं उनसे बात की जो कि कैमरा पे नहीं आना चाहते। उनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, चाहे कमर्शियल हो, ऑनलाइन की जहाँ वर्क फ्रॉम होम की बात आ रही है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास नेट की जो है नेट बहुत वीक चल रहा है उनका, 2G नेट से घर से उनका काम नहीं हो पा रहा है। और रही बात अब स्टूडेंट्स का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, जहां 45 मिनट्स की उनकी क्लास होती है वो 3-4 घंटे तक चलती है उनकी, और एक टॉपिक में उन्हें 3-4 घंटे लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें एक चैप्टर कंप्लीट करने में और फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है। और जहाँ तक बात आती है, स्कूल्स भी बंद है, कॉलेजेस भी बंद है, यूनिवर्सिटीज भी बंद है, तो कैसे बच्चे पढ़ाई करें? सरकार के लिए ये एक बहुत अहम सवाल होना चाहिए और सरकार को इस पर वर्क भी करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स अपने पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की। टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे सीख पाए, बच्चे अपना सिलेबस कवर कर पाए, पर अनफॉर्चुनेटली जो 2G नेटवर्क की वजह से, जो 2G नेटवर्क की वजह से बहुत स्लो नेट चलता है उनका, उसकी वजह से बच्चे बहुत पीछे रह रहे हैं। वो बाकी बच्चों से, बाकी स्टेट से जो बच्चे हैं उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनका सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट पहुँचाने के लिए मैं कश्मीकांग की तरफ से श्रीनगर से फजा जैनब।